दोस्तों, आप अपनी अकड़ को तोड़िए। ये जो अकड़ पर हमने अपनी पकड़ बना रखी है, ये हमें बड़ा कमज़ोर करती है। अकड़ क्या है? अकड़ यानी ईगो। ईगो का मतलब क्या हो गया? मैं ये, मैं वो, मैं ही सबसे ज़्यादा कैपेबल, मुझसे सब डरना चाहिए, मुझसे सब दबना चाहिए, मेरी सब बात माने। ऐसा कभी नहीं होता, है ना। आदमी पैदा तो मिट्टी से हुआ, लेकिन वक्त ने उसे पत्थर का बना दिया। मिट्टी का इंसान पत्थर का इंसान बन गया। मिट्टी का इंसान मिट्टी में ही मिल जाता है। आपने देखा ना, एक से एक सूरमा, एक से एक बादशाह, एक से एक अमीर लोग पैदा हुए, अकड़े, बाद में बीमार पड़े, मर गए। उनके नाम भी हम नहीं जानते। अकड़ किस बात की कर रहा है? चार दिन की ज़िंदगी, हम और आप आज हैं, कल नहीं होंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। कल ना मैं बोलूँगा ना आप सुनने वाले होंगे। जब इतने थोड़े से पलों के लिए हम इस दुनिया में आए, तो फिर किस बात की अकड़ करें? कुछ लोग बड़े गुरूर में रहते हैं, अरे हमारे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही सही बात करता हूँ हमेशा। कुछ लोगों को यही रहता है, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, मेरे विचार ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यार, आप जो बोलते हो, कभी गौर से सोचो कि आप वो कहाँ से सुनकर बोलते हो। कौन से विचार आपके हैं जो अंदर से आपने पैदा किए? जितने थॉट आपके माइंड में, वो सब बोरोड है, सब उधार के विचार हैं। सब किसी किताबों में पढ़े, किसी स्पीकर को सुना, किसी फिल्म में कोई डायलॉग सुन लिया, वही तो दोहराते रहते हो आप। दूसरों के विचार दोहरा दोहरा कर इतना अकड़ने लगे, यानी उधार के पैसों पर बिल्डिंग खड़ी कर ली और कर्ज चुका रहे हैं और अकड़ रहे हैं, ये मेरा, ये तेरा। ये अकड़ना वकड़ना छोड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा है। खुलकर जीना शुरू कीजिए। जहाँ जहाँ ज़िंदगी में अकड़ है, जहाँ जहाँ ईगो है, उसे ख़त्म कर दो। कम से कम अपने साथ तो ख़त्म कर दो। हम तो क्या है, खुद से ही बड़े अकड़ में बैठे रहते हैं। मैं ही सही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही सही, दूसरा भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही था। हमेशा मेरी ही बात मानी जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली में वो बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं, उन्हीं की बात मानो, वो जो कहें वही करो, वो जो चीज़ बोले वही लाओ, वो जिस कलर का पेंट बोले वही करवाओ, वो जैसे कपड़े पहने वही खरीदो। ये घरों में बड़ी समस्या है। लोग अपनी अपनी चलाते हैं अपनी फैमिली में, दोस्ती यारी में भी वही चाहते हैं, पिकनिक में भी जाते हैं तो जो फूड हमें पसंद है वही बनाओ। ऐसा कई जगह मैंने देखा, पार्टियाँ हो रही, क्या खाना बने, तो कोई बोलता है नहीं नॉन वेज बने, कोई बोलता है मटर पनीर बने, सब अपनी जिद को मनवाने के लिए तुले हुए हैं। अरे कभी दूसरे की जिद भी पूरी हो जाने दो ना, उसकी भी तो इच्छा है, उसका भी तो मन है। अब हर जगह हम अपनी अकड़ चलाते, हमारा ही ईगो सर्वोपरि, मैं ही सबसे बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, आई एम द बेस्ट अपने आप में ये बोलना अच्छा है, लेकिन यू मे बी द बेस्ट, यू टू द बेस्ट, एवरी वन इज़ बेस्ट, एवरी वन इज़ यूनिक। हर आदमी बेहतरीन है, हर आदमी इस दुनिया में हमसे किसी ना किसी बात में बेहतर हो सकता है। किसी के बाल हमसे अच्छे हैं, किसी की हेयर स्टाइल हमसे अच्छी है, किसी की ड्रेसेस अच्छी है हमसे, किसी की आवाज़ हमसे अच्छी है, कोई हमसे अच्छा गाता है, कोई हमसे अच्छा खाना बनाता है। सबसे ऊपर सर्वोपरि तो हम नहीं रह सकते ना, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ही बेस्ट, और इस अकड़ में हम मरे जा रहे हैं, क्योंकि हम हर जगह बेस्ट नहीं थे, कि हमने कोशिश बहुत की थी अपनी बातों को मनवाने की हर एक आदमी से, उस पर हम लड़ते थे, झगड़ते थे लोगों से, है ना, और बड़ी बहस चल रही थी कि मैं ही बेस्ट। खूब बहस करते हैं, खूब लड़ते हैं घंटों, और अपने कीमती रिश्ते ख़राब कर लेते हैं आई एम द बेस्ट के चक्कर में, मैं ही सही हूँ इसके चक्कर में। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि दूसरा भी सही है। अकड़ को थोड़ा कम करना, उसे बड़ा मज़ा आएगा ज़िंदगी में। आप जब आपकी अकड़ कम होती है ना, तो आप सॉफ्ट होते हो, मुलायम होते हो, नरम होते हो, खुले दिल के होते हो, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लोग उन्हीं से कनेक्ट होते हैं जिनके अंदर अकड़ कम होती है, और उनसे डिस्कनेक्ट होते हैं जो अकड़ कड़ खड़े रहते हैं। जो जितना अकड़ा वो उतनी जल्दी टूटा, और उतना बुरी तरह से टूटा। तो आप डिसाइड कर लो कि मुझे बुरी तरह से टूटना है, या फिर ज़िंदगी भर फ्लेक्सिबल बनकर लोगों के साथ एडजस्ट होकर
खुशी खुशी हंसी हंसी से जीना है। कैसा लगा मेरा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो ज़रूर कमेंट किया करिए, पसंद आते हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन और ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।